अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम गौर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर मामले में आरोपी है गौर चिश्ती। गौर चिश्ती को हैदराबाद से देर रात जयपुर लाया गया। वेश बदलकर 15 दिनों से पुलिस को दे रहा था चकमा। गौर चिश्ती के साथ अमानुल्ला नाम का शख्स भी गिरफ्तार। हैदराबाद के पीली खान में अमानुल्ला के मकान में छिपा था गौर चिश्ती। गौर चिश्ती की आज अजमेर की अदालत में होगी पेशी। एनआईए आगे की तहकीकात के लिए मांगेगी गौर चिश्ती की कस्टडी। पीएफआई की साजिश पर पुलिस का खुलासा। पटना दौरे पर निशाने पर थे पीएम मोदी। गड़बड़ी करने का प्लान था। पुलिस के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पीएफआई के लोग बिहार आए थे। फर्जी नाम से होटल बुक कराए थे। पटना में पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा। 2047 तक इस्लामी राज कायम करने की साजिश कर रहे थे काम। 3 गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक पीएफआई के 26 मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईडी करेगी 83 लाख की फंडिंग की जांच। पटना के एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लो ने की पीएफआई की ट्रेनिंग की संघ से तुलना। कहा कि आरएसएस की शाखा की तरह दे रहे थे प्रशिक्षण। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने नोटिस भेजा। 48 घंटे में जवाब मांगा। विवादित बयान पर पटना एसएसपी को मिला कारण बताओ नोटिस। रविशंकर प्रसाद बोले गैर जिम्मेदाराना बयान। सिख नेता रिपु दमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या। कनाडा के सिरे में रिपु दमन को गोली मारी गई। रिपु दमन सिंह की हत्या के कारणों का भी पता नहीं चला है। मौके से एक जली हुई कार भी मिली है। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका। मुंबई, ठाणे, पालघर में ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के 9 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात की गई है। मुंबई में 5 टीम है। ठाणे और पालघर में 2-2 टीमें तैनात। मुंबई में आज 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले 7 झीलों में से तानाशाह झील ओवरफ्लो। झील के 38 में से 9 गेट खोले गए। अमरावती के मेलघाट में लगातार हो रही है बारिश से सिपाना और तापी नदी में पानी भरा। 20 गांव का 4 घंटे के लिए संपर्क भी कटा। गुजरात के वलसाड में काशीमीरा नगर में भरा पानी। भारी बारिश की वजह से पहले से ही अलर्ट किया गया था। लोगों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया। तेलंगाना के मुलुगु जिले के कई आदिवासी गांव गोदावरी नदी के बाढ़ की चपेट में। खाने के सामान के लिए रस्सियों के सहारे पानी पार करने को मजबूर। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल। लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर मनाई खुशी। गोटाबाया ने स्पीकर के कार्यालय को ईमेल किया अपना इस्तीफा। आज किया जाएगा इस्तीफे का ऐलान। श्रीलंका के स्पीकर ने बताया गोटाबाया के इस्तीफे की होगी जांच। कानूनी प्रक्रिया के बाद किया जाएगा औपचारिक ऐलान। देवेंद्र फडणवीस आज सुबह 11 बजे राज ठाकरे से करेंगे मुलाकात। 2 दिन पहले बारिश के कारण रद्द हुई थी मुलाकात। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होने के बाद 19 या फिर 20 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। राज्य सरकार ने वैट में कटौती की। ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को आज तलब किया। एनएसी कर्मियों के अवैध फोन टैपिंग के मामले में पूछताछ होगी। यूपी के उत्तराखंड के बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर जिला प्रशासन मुस्तैद। जगह जगह व्यापक तैयारी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए निमग ने संभाला मोर्चा। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से गुरुवार को वक्फ एक्ट पर अपनी दलील पेश की गई थी। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया। आज आएगा फैसला। कोरोना वैक्सीन के फ्री बूस्टर डोज की आज से शुरुआत। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को 75 दिनों तक फ्री में लगेंगे बूस्टर डोज। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अस्पताल में भर्ती। 12 जुलाई को हुए थे कोरोना संक्रमित। यूक्रेन के विनिसिया शहर में रूसी मिसाइल अटैक। 3 बच्चों सहित 21 लोगों की मौत। 100 से ज्यादा घायल। पूर्वी यूक्रेन के डोनेक्स में भारी शेलिंग। 2 लोगों की मौत। 3 घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन। 73 साल की थी। ब्रिटेन के पीएम की रेस में ऋषि सुनक की एक और धमाकेदार जीत। दूसरे राउंड में वोटिंग में मिले हैं 101 वोट। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट लगातार जारी। गुरुवार को 18 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। 1 डॉलर की कीमत 79.99 रुपए। थोक महंगाई दर जून में मामूली गिरावट के साथ 15.18% तक पहुंची। मई में उच्चतर स्तंभ 15.88% था। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पहले मैच में हार का बदला लिया। दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 100 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में अब 1-1 की बराबरी पर। 17 जुलाई को खेला जाएगा आखिरी वनडे। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की। इंग्लैंड की टीम 49 ओवर में 246 रन पर ऑल आउट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी। 39 ओवर में 146 रन बनाकर ऑल आउट। कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत 0 पर आउट हुए। शिखर धवन 9 और विराट कोहली 16 रन बनाए। रिस टॉपल बने प्लेयर ऑफ द मैच। टॉपली ने 9.5 ओवर में 24 रन देकर 6 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल को आराम दिया गया। केएल राहुल, आर अश्विन और कुलदीप यादव की टीम में वापसी। राहुल और कुलदीप को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट। गेंदबाज उमरान मलिक को T20 में नहीं मिला मौका। अर्शदीप सिंह T20 के लिए टीम में शामिल हुए। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ डेटिंग का ट्विटर पर किया खुलासा। लिखा नॉट मैरिड, जस्ट डेटिंग ईच अदर। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ शादी की जताई उम्मीद। सुष्मिता सेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं।